वेलकम टू माय चैनल फार्म नॉलेज वर्ल्ड। मेरा नाम है मृदुला और आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें पता है कि सेल्स के अंदर जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन जो होता है और जो प्लाज्मा के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन होता है वो डिफरेंट होता है। ठीक, जो इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट्स होते हैं वहां पे पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट आयन का जो कंसंट्रेशन होता है वो आपका ब्लड से ज्यादा होता है। वहीं पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वहां पे जो सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन्स होते हैं उनका कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। मतलब इंट्रा सेलुलर में आपका पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और फॉस्फेट आयन होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम क्लोराइड और बाइकार्बोनेट आयन के कंसंट्रेशन ज्यादा होते हैं। एक अच्छे हेल्थ के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट होम्योस्टेटस, मतलब कि जो इलेक्ट्रोलाइट का कंसंट्रेशन है वो आपके इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट और एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में एक नॉर्मल लिमिट के अंदर होना चाहिए। जो इलेक्ट्रोलाइट्स का नॉर्मल सेरम लेवल होता है वो आपके फोर प्रोसेसेस के थ्रू बॉडी के अंदर बैलेंस्ड होता है। पहला है इलेक्ट्रोलाइट का इनटेक, उनका बॉडी में एब्जॉर्प्शन, मतलब सेल्स में एब्जॉर्प्शन, उनका डिस्ट्रीब्यूशन थ्रू आउट द बॉडी और बॉडी से एक्सक्रीशन। ये चार प्रोसेस जो होते हैं वो आपके सेरम में नॉर्मल लेवल मेंटेन करते हैं इलेक्ट्रोलाइट में। अगर कोई भी डिस्टर्ब हो जाता है किसी पैथोलॉजिकल स्टेट, मतलब किसी डिसीज की वजह से, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की कंडीशन आती है। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है वो है आपका सोडियम का सेरम लेवल में एबनॉर्मलिटी, जो कि रिजल्ट करता है आपको हाइपो या तो हाइपर नेट्रेमिया में। दूसरा है आपके एबनॉर्मलिटी अगर हो जाए आपका पोटेशियम लेवल में सेरम के अंदर तो हाइपो और हाइपर कैलमिया की कंडीशन आती है। अगर वही कैल्शियम का लेवल जो होता है, सेरम लेवल जो होता है वो एबनॉर्मल होता है तो हाइपो या फिर हाइपर कैल्शियमिया का कंडीशन आता है। और अगर मैग्नीशियम का जो सेरम लेवल होता है वो डिस्टर्ब होता है तो हाइपो या हाइपर मैग्नीशिया की कंडीशन आती है। तो ये आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के जो जनरल प्रिंसिपल होते हैं, मतलब कि बैलेंस को हम किस बेसिस पे या किस प्रिंसिपल पे कंसिडर करते हैं, वो है कि अगर बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है तो उसका जो कॉज है वो एक या एक से ज़्यादा कंडीशन हो सकता है, मतलब कि डिसऑर्डर्स या डिसीज हो सकते हैं जो कि आपके इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कॉज किए हों बॉडी में। दूसरा, अगर एबनॉर्मल सेरम लेवल है आपका वह एक या एक से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट की वजह से, तो वो एक दूसरे से लिंक हो सकते हैं। और तीसरा है कि जो बायोकेमिकल सेरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल होता है वो आपको क्लिनिकली रिफ्लेक्ट होता है और कुछ मेटाबॉलिक सिंड्रोम वो फॉर्म करते हैं। ठीक, जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है किसी भी पार्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट का वो डिपेंड करता है कि उसका रोल क्या है बॉडी के अंदर किसी पार्टिकुलर ऑर्गन या टिश्यू में। ठीक है, तो ये आपके जनरल प्रिंसिपल्स थे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के। अब कुछ हम क्लिनिकल कंडीशंस देखेंगे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के, जो कि बॉडी के अंदर इलेक्ट्रोलाइट के इम्बैलेंस की वजह से होते हैं। तो सबसे पहला है आपका हाइपोनेट्रेमिया। हाइपोनेट्रेमिया में मेनली क्या होता है कि आपके सोडियम आयन्स अफेक्टेड होते हैं, तो इसमें आपका मोर वाटर गेन होता है एज कम्पेयर टू जो आपका बॉडी से सोडियम का लॉस हो रहा हो, या फिर मोर सॉल्ट का आपका लॉस होता है एज कम्पेयर टू वाटर। और ये होता है आपका ड्यू टू अगर हम बहुत ज्यादा डायुरेटिक्स यूज कर रहे हो, या फिर कोई पर्सन बियर कंजप्शन बहुत हाई रेट पे कर रहा हो, या रीनल फेलियर, ऐसे ही बहुत सारे कॉजेस हो सकते हैं जिसकी वजह से हाइपोनेट्रेमिया की कंडीशन आ सकती है। सेकेंड कंडीशन है हाइपरनेट्रेमिया। हाइपरनेट्रेमिया में क्या होता है कि जो बॉडी से वाटर का लॉस हो रहा होता है उसके कंपैरेटिव ज्यादा सॉल्ट जो होते हैं वो बॉडी के अंदर रह जाते हैं, और सॉल्ट के कंपैरेटिव में जो वाटर का लॉस हो रहा होता है वो ज्यादा हो रहा होता है। ठीक,
ये होता है बेसिकली आपका, अगर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का आईवी इन्फ्यूजन हो रहा हो, या फिर किसी पर्सन को डायबिटीज इंसिपिडस हो गया हो, या फिर एक्सेसिव स्वेटिंग जो कि आपका मेनली एक्सरसाइज वगैरह में होता है, या फिर डिफिकल्टी हो रही हो स्वेलिंग में, मतलब ओएसोफेगस रिलेटेड कोई ऐसे ही। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की हाइपोकैलेमिया। इसमें क्या होता है कि जो पोटेशियम, हाइपो मीन्स लेस होता है, ठीक है, तो जो पोटेशियम लेवल जो होता है, जो इंटेक कर रहे होते हैं, वो डिक्रीज हो गया है, या फिर बहुत ज़्यादा पोटेशियम जो होता है वो एक्सक्रीट कर रहा हो बॉडी से, या फिर एक्सेसिव मोबिलाइजेशन हो रहा हो एक्स्ट्रा सेलुलर से इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में पोटेशियम का, तो इसकी वजह से हाइपोकैलेमिया की कंडीशन आती है। और ये मेनली होता है आपको एनोरेक्सिया की वजह से, या फास्टिंग किया जाए, या फिर किडनी से लॉस हो रहा हो बहुत ज़्यादा पोटेशियम, या एल्कलोसिस की कंडीशन हो, या फिर कोई पर्सन इंसुलिन थेरेपी के अंदर जा रहा हो, तो उसमें हाइपोकैलेमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी हाइपरकैलेमिया। हाइपरकैलेमिया में क्या होता है कि बहुत एक्सेस पोटेशियम इंटेक हो रहा होता है, और बॉडी से पोटेशियम जो होता है वो ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं हो रहे होते हैं, और इसमें जो होता है इंट्रासेलुलर से एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में पोटेशियम का मूवमेंट हो रहा हो, ठीक। ये होता है बेसिकली आपका कोई रीनल ट्यूबलेट डिसऑर्डर हो गया हो, या फिर इनसफिशिएंट इंसुलिन मसल नेक्रोसिस हो चुका हो, मतलब इनसफिशिएंट इंसुलिन बॉडी में प्रोड्यूस हो रही हो, या फिर मसल नेक्रोसिस के कंडीशन में आपकी हाइपरकैलेमिया होती है। नेक्स्ट है आपकी हाइपरकैल्सेमिया। इसमें जो सेरम में कैल्शियम का लेवल होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और ये बेसिकली होता है आपका मेलिगेंसी के केस में, या फिर हाइपर पैराथायरॉयडिज्म हो गया हो, या फिर ग्रैनुलोमेटस डिसीज हो, तो ऐसे कंडीशंस में आपको हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट कंडीशन है आपकी हाइपरफॉस्फेटेमिया की। इसमें क्या होता है कि जो ब्लड में फॉस्फेट का लेवल होता है वो इंक्रीज कर जाता है, और ये बेसिकली होता है कि अगर इंटेस्टाइन में फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन इंक्रीज हो जाए, या फिर जो किडनी से फॉस्फेट का एक्सक्रीशन हो रहा हो वो डिक्रीज हो जाए, तो इस तरह के कंडीशन में आपकी हाइपरफॉस्फेटेमिया होती है। नेक्स्ट है आपकी हाइपोफॉस्फेटेमिया। हाइपोफॉस्फेटेमिया में क्या होता है कि जो फॉस्फेट लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है, और ये होता है आपका ड्यू टू बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ की वजह से, या बर्न्स हो गए हो, या फिर स्टार्वेशन की कंडीशन हो, स्टार्वेशन की कंडीशन में, या फिर बहुत ज़्यादा हम डायुरेटिक्स यूज़ कर रहे हों। तो ये था अबाउट आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें, और अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।